नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शर्मा टेक्निकल पर। मेरा नाम है पी शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पीएसपी के गेम्स अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा जेड अचीवर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। दिखा देता हूँ, देखिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए जेड अचीवर और सर्च कर दीजिए। जेड अचीवर को डाउनलोड कर ले, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, आप कर लीजिए। ये देखिए यहाँ किया हुआ है। उसके बाद आपको यूसी ब्राउजर में जाना है। PPSSPP गोन डाउनलोड करने की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से लिंक को ओपन करके डाउनलोड कर लें और यहां पे पेस्ट कर दें और गो। और आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, एक डाउनलोड नाउ की ऑप्शन होगी, वहां पे क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है डाउनलोड कर लें। मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। क्या हुआ इसको, आपको पीएसपी के गेम्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये देखिए PPSSPP गोंड ऐसा दिखता है। उसके बाद आपको गेम्स डाउनलोड करने के लिए फिर इसी ब्राउजर में जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा MU पैराडाइस PSP ISO। यह MU पैराडाइस PSP ISO लिखकर क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे जाएं, नहीं तो आप दोबारा इसमें जाकर इसको कट करें, MU पैराडाइस .me, उसके बाद गो। यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ आपको नीचे जाना होगा, यहाँ होगा PSP ISO सेकंड नंबर पर PSP ISO, इसको क्लिक कर दें। क्लोज ऐड, उसके बाद आप कोई भी गेम डाउनलोड कर लें, लिस्ट हो, आप यहाँ पे कोई भी सर्च कर सकते हैं गेम, जैसे देखिए WWE या नीचे सभी आ जाएंगी। उसके बाद मैं ये दिखाता हूँ WWE स्मैकडाउन वर्सेस रो 2011, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे जाइए, नीचे जाना बहुत, यहाँ लिंक होगा, इस पर क्लिक कर दें। फिर नीचे जाइए, फिर उसको क्लिक कीजिए। मैं इसकी भी लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। मैंने पेड़ से डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मैं नहीं क्यों करूँगा। उसके बाद आपको जेड अचीवर की ज़रूरत है।
सेट रिसीवर में जाइए और जहां आपने फाइल डाउनलोड की थी मैं डिवाइस स्टोरेज में रखी हुई है, आपकी जहां डाउनलोड होगी आपको वहां पर जाना होगा और यह ऐसा बना आएगा, ऐसा ये जिप फाइल होगी ISO जिप, इसको आपको क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर। मैं पहले से किया हुआ है इसलिए मैं नहीं करूँगा। ये देखिए ऐसा बन जाए ISO का, ये CD जैसा बन जाएगा। उसके बाद आपको PPSSPP गोन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के बाद आपको वहाँ जाना होगा जहाँ आपने वो फाइल्स रखी हैं, मैंने इसमें रखी थी। ये ऐसा आ जाएगा स्मैकडाउन, आपको इसके सेटिंग्स भी करनी पड़ेगी। कई के फोन में ये सही नहीं चलती हैं। अगर उनके फोन में हैंग होकर चले तो मुझे कमेंट में बता दें। अगर आपके फ़ोन में रुक रुक कर चले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। स्टार्ट। ये देखिए जैसे मेरे फ़ोन में अब हैंग होकर चल रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। आपको पहले बैक जाना होगा, फिर गेम सेटिंग्स, इसको क्लिक कीजिए, बफर रेंडरिंग, इसको फर्स्ट पे रखना है, इसको ऑन कर दें। और यहाँ पर नेटिव डिवाइस रेजोल्यूशन, इसको लो पे रख दें। और यहाँ होगा स्पीड पे रख दें इसे। ये आपको सिर्फ स्पीड बताइए कितनी है। उसके बाद आप जाइए ऑडियो में, इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे लो में रख दीजिए। उसके बाद जाइए आप सिस्टम में, इसे ऑन कर दीजिए आप। उसके बाद अपने आप गेम ऑन कीजिए। ये नीचे ये भी करना पड़ेगा, ये वाला भी। कंटिन्यू। सिस्टम में आपको होस्ट नहीं, फास्ट पे करना है।
से आप 200 पे रख दें। और इसे आप 300 पे रख दें। और आप अगर ऐसे सेट नहीं बैठता है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। आपको इतने ज़्यादा स्पीड से मिल जाए तो ठीक है, कईयों के फ़ोन में ये ज़्यादा हैंग होकर चलती है। ये रैम पे डिपेंड होता है, जितनी आपकी रैम होगी उतनी ही अच्छी चलेगी। और आपको मैंने गेम सेटिंग्स बताई दी हैं कैसे करनी है, आप देख सकते हैं। इसे आप चाहे ऑफ भी रख सकते हैं, कुछ नहीं होता। सिस्टम में आप इसे डिसेबल कर दीजिए, इसे चाहे होस्ट में रखने कुछ नहीं होगा। ये देखिए अब कितनी अच्छी स्पीड मिल रही है। तो थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब के पास एक घंटे का बटन होगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए। धन्यवाद, मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में।